हाँ, मैं मेरे कैरेक्टर के बारे में ज़रूर बताऊंगा। गोपी कैरेक्टर का नाम है और बहुत ही हसमुख और अपनी ज़िंदगी लाइफ बहुत ही इन्जॉय करके जीता है। कबड्डी खेलता है, एक्टिंग करता है और मजाक मस्ती, मतलब हर चीज़ में एकदम फुली जॉयबल कैरेक्टर है। और एक पॉइंट पे दादाजी उसको कुछ कहते हैं कि भाई तेरा एक जुड़वा भाई है और माँ है और मैं चाहता हूँ कि उसको तो ले आ और हम लोग एक साथ रहें। तो वो कैरेक्टर किस तरह से निकलता है और पूरा जो उसके अंदर कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है, मुझे बहुत मज़ा आया कैरेक्टर करते वक्त और मैंने बहुत इन्जॉय किया। जब मुझे स्क्रिप्ट अजय ने सुनाई और हमारा पुष्पा कृष्णा क्रिएशन बैनर जो है जिसमें स्वामी और एंजल इस फिल्म में बनी, और मेरी वाइफ को विधि को था कि मैं अभी कुछ करूँगी, हमारी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई, मेरा ठीक है हम लोग करते पीके से वापस और जब कुछ अच्छा स्क्रिप्ट आएगा तो करेंगे। और जब मुझे अजय ने सुनाई हे ब्रो की कहानी, तो बोला अजय या तो तूने मतलब ढूंढ के लेके आया एग्जैक्ट, मतलब एक ऐसा 200 किलो का और 170 किलो का इंसान की कहानी, बोला उन्हें नहीं ये गणेश बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा थाट है। मैंने ठीक है सुनाते हैं। तो मैं और विधि हम लोग बैठे और अजय ने और एम सलीम राइटर ने सुनाई कहानी। सुनाते सुनाते मुझे ये महसूस हुआ कि कहानी बहुत अच्छी है। एक होता है कि कॉमेडी फिल्म होती है जो विदाउट कहानी, आपको माइंड घर पे रखे आपको सिर्फ फिल्म कॉमेडी इन्जॉय करना है, लेकिन ये फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। इस फिल्म में कॉमेडी के अलावा एक्शन बहुत ज़्यादा है, कॉमेडी के अलावा इमोशंस बहुत अच्छे हैं, ड्रामा, फैमिली ड्रामा बहुत अच्छा है। तो टोटली में मैंने जब अजय ने मुझे पूरी कहानी नरेट की कि इस तरह होगा, इस तरह एक कैरेक्टर होगा, इस तरह, और ये करते करते मुझे ये पता चला कि हाँ मैं इस फिल्म में हीरो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हीरो नहीं करना था, मुझे एक मतलब अच्छा सा रोल करना था। और ये सपोर्टिंग मतलब ये जो रोल है वो मतलब सेंटर कैरेक्टर है लेकिन बहुत कमाल का रोल है। इसमें मेरे साथ कोई अपोजिट में हीरोइन नहीं है या कोई रोमांस नहीं है, सब जो है फिल्म के हीरो मनिंदर और नुपुर है, मेरा भाई वाला कैरेक्टर है जो मुझे क्यूट सा प्यारा सा जो मुझे चाहिए था। गोपी कैरेक्टर ABCD में आपने देखा था बच्चों ने किस तरह से प्यार किया मुझे, तो इस उस कहानी में मुझे वो चीज़ दिखी कि हाँ ये है ब्रो में है, ये जो बच्चे बहुत पसंद करेंगे। फिर नाम पे आके नाम क्या रखना है, बोला गोपी रखेंगे क्योंकि वो मेरे पिताजी का नाम है, और ABCD भी थी गोपी, बच्चों ने बहुत पसंद की थी। तो टोटली में कहानी बहुत अच्छी लगी, फिल्म अच्छी लगी। हाँ, लेकिन ये पता चला कि फिल्म एक्सपेंसिव बहुत है, इसमें गाने हैं 5, इसमें एक्शन है, फाइटर्स है, ये है, डांसर। मैंने प्रोड्यूसर को कहा भैया यू आर द प्रोड्यूसर, यू वांट टू डिसाइड कि ये करना है कि नहीं करना है। बोला नहीं करना तो है, पुष्पा कृष्णा क्रिएशन को वापस लेके आना है, मैं पूरी मेहनत करूँगी, जो चाहिए कोशिश करूँगी इस प्रोडक्शन में। तो दे बोथ डिसाइडेड एंड मूवी स्टार्ट। हे ब्रो, डांस मेरी आत्मा है, मेरी जान है, मैं बचपन कर रहा हूँ 8 साल से, और मेरे लिए इजी होता है क्योंकि मैं 25 साल से एक ही चीज़ कर रहा हूँ। एक्टिंग बोले तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, आपको डायलॉग पढ़ने पड़ते हैं, मतलब अगर मैं एक चीज़ बोल दूँ कि भैया कि ये मुझे इधर जाना है, मुझे इधर जाना था, तो था नहीं है, अरे है नहीं था, वो है था, और उसके बीच में जो, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मुझे डबिंग में बहुत तकलीफ हुई, डबिंग में मेरी बम्बैया भाषा आती है, कैसे ऐसे वैसे, तो वो डबिंग में मेरे वो इतना टॉर्चरिंग किया, कैसे नहीं कैसे वैसे नहीं वैसे ऐसे ऐसे, तो वो बहुत मुझे तकलीफ हुई, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है क्योंकि मेरे को इसमें एक चीज़ का बहुत ही फ्रीडम था, मैं ना ही डायरेक्शन कर रहा था, ना ही मैं प्रोड्यूसर था, ना ही मैं कोरियोग्राफर था, मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी थी, स्क्रिप्ट पढ़नी थी और डायलॉग बोलना था। हाँ, लेकिन बहुत ही नेचुरल किया, मैं कोशिश ये की कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, और उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत ही छोटा टेक्नीशियन हूँ, छोटा प्रोड्यूसर हूँ, कोशिश ये की है कि बड़ी फिल्म बनाए। वाइफ विधि आचार्य, अजय चंडो मेरे को आर्टिस्ट, मनिंदर सिंह, नुपुर शर्मा, हनी फिलहाल, प्रेम जी, सब जन ने फैमिली ऐसा काम किया है। यही उम्मीद करूँगा कि आप ये फिल्म ज़रूर देखिएगा, आपको पूरी फैमिली इंटरटेनमेंट मिलेगा, और बस वॉच 27 फेब। हे ब्रो।